स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया। हम लोग सेंट्रल फोर्सेस को पढ़ रहे थे, तो वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि सेंट्रल फोर्सेस जो होते हैं वो उनकी जो डायरेक्शन होगी प्लस माइनस आर कैप होती है। तो वहां पर हमने डिफाइन किया था कि सेंट्रल फोर्सेज जो होंगे उनकी डायरेक्शन हम लोग प्लस माइनस आर कैप लेते हैं तो क्या होंगे, या तो रिपल्सिव होते हैं या फिर अट्रैक्टिव होते हैं। तो वहां पर हमने सेंट्रल फोर्सेस के एग्जांपल्स के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स को भी डिफाइन किया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो क्या होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है, एंड इसकी डायरेक्शन क्या होगी, माइनस आर कैप होगी। तो यहाँ पर हम लोग ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया के बारे में। तो गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया के अंदर क्या होगा कि जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है इन्हें हम एक आकर्षण प्रकृति के केंद्रीय बल के द्वारा बता सकते हैं। ठीक है, इनको अभिव्यक्त कैसे करते हैं, एक अट्रैक्टिव टाइप के सेंट्रल फोर्स के द्वारा। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होते हैं, आर डिपेंडेंट फोर्स होते हैं, और साथ ही इनकी डायरेक्शन जो होती है वो दोनों फोर्स के मिलाने, दोनों जो हमारे पास में वस्तुएं होंगी उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास में M1 और M2 है, तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी, इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी और साथ में ये आर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड जो होगा आर पर डिपेंड करता है। तो हम लोग ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की डेफिनेशन को लिखते हैं। गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन को दो वस्तुओं के मध्य आकर्षण प्रकृति के केंद्रीय बल से अभिव्यक्त करते हैं। तो क्या होगा, हमारा जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है या हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होगा कि दो वस्तुएं जहां पर हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, तो उनके बीच में लगने वाला जो अट्रैक्टिव टाइप का जो फोर्स होगा, सेंट्रल फोर्स होगा, उससे हम क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। और ये किस प्रकार का होगा, करते हैं जो कि दोनों वस्तुओं के, जैसे कि यहाँ पर अगर हम डिफाइन करें कि जो भी हमारे ग्रह हैं, ठीक है, अगर हम सन को लें या बाकी प्लेनेट को लें या हमारे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को हम डिफाइन करें, तो जिस भी ऑब्जेक्ट को हम ले रहे हैं उन दोनों ऑब्जेक्ट के क्या होगा, मास के तो ये प्रोपोर्शनल होता है, और उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, जो कि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के समानुपाती तथा दोनों वस्तुओं के मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम क्या लेते हैं कि माना हमारे पास में क्या है, माना दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान, तो यहां पर हमने वस्तुएं लिखा है, ऑब्जेक्ट अगर हम लेते हैं तो हम क्या ले सकते हैं कि अर्थ, और हम किसी
अदर प्लेनेट को या फिर हम अर्थ और सन को ले, ठीक है, या अर्थ या मून को हम डिफाइन करें, तो यहाँ पर अपने पास में क्या हो जाएगा, या सन या किसी प्लेनेट को हम डिफाइन कर सकते हैं, तो क्या होगा कि दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान क्रमशः एम वन तथा एम टू है तथा उनके मध्य दूरी आर है, तो गुरुत्वीय बल का मान कितना होगा, एफ आर इक्वल टू माइनस का जी एम वन एम टू, क्या होगा, फोर्स दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के समानुपाती होगा, एफ प्रोपोर्शनल टू एम वन होगा, एफ प्रोपोर्शनल टू एम टू होगा, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर। और यहाँ पर हमारे पास में जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, हम इसको लिख सकते हैं कि माइनस के आर कैप ये डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये जो माइनस चिन्ह है, माइनस का जो हमारा साइन है वो किसको शो करेगा, किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, फोर्स के अट्रैक्टिव होने को। तो यहाँ पर अपने पास में जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर माइनस का आर कैप, जहां पर जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, जहां जी गुरुत्वीय नियतांक है का मान 6.67 इंटू 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है, तथा ऋण चिन्ह बल के आकर्षण प्रकृति को प्रदर्शित से ग्रेविटेशनल फोर्स को हम डिफाइन करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा, कोई भी हमारे पास में मैसिव ऑब्जेक्ट है जिसका मास होगा तो उन दोनों मास के प्रोपोर्शनल होगा, उनके प्रोडक्ट के और उनके बीच के डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया। तो अगर हमारे पास में क्या है, दो मास है एम वन और एम टू, तो ये फोर्स किस प्रकार होगा कि जितना फोर्स M1 के कारण इसके ऊपर लगता है, ठीक है, ये वाला फोर्स M1 के कारण फोर्स लगेगा या M2 के कारण M1 पे फोर्स लग रहा है, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो फोर्स होगा किस प्रकार होगा, F12 इक्वल टू माइनस का F21, डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इस वाले के कारण जो फोर्स होगा वो इसकी ओर होगा। तो यहां पर जो फोर्स है, जितना फोर्स M1 के कारण M2 पर है उतना ही M2 के कारण M1 पे होगा, इस कारण हम इसको क्या कहते हैं, अन्योन्य क्रिया कहते हैं, गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे पर परस्पर बराबर और विपरीत ये क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अपने पास में ये क्या होगा, गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया होगी, ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन होगा। इसको लिख लो, फिर हम लोग आगे डिफाइन करते हैं इसे। जो गुरुत्वीय बल है वो कैसा है, केंद्रीय बल होता है, सेंट्रल फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो अब यहां पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास में M1 और M2
दो ऑब्जेक्ट है, तो यहां हम लिख सकते हैं कि गुरुत्वीय बल M1 के कारण M2 पे फोर्स, ठीक है, और यहां पर अपने पास में ये हमारा M2 पे फोर्स हो जाएगा M1 के कारण, और ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये क्या होगा M1 पे फोर्स आ जाएगा M2 के कारण, ठीक है। तो हम यहां पर इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको कि F12 इक्वल टू माइनस का F21। तो गुरुत्वीय बल केंद्रीय बल होता है, सेंट्रल फोर्स होता है, अतः इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है फोर्स की उसके अनुदिश होगी, ठीक है, क्योंकि हमेशा जो सेंट्रल फोर्स होते हैं उनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी, एक फिक्स पॉइंट से गुजरती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि गुरुत्वीय बल केंद्रीय बल होता है, अतः बल की दिशा दोनों बिंदुओं को या दोनों वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, तथा जितना बल M1 के कारण M2 पे लगता है उतना ही M2 के द्वारा M1 पर लगाया जाता है, ठीक है, इसलिए हम इसे ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन कहते हैं, अनोन क्रिया कहते हैं, अतः इसे गुरुत्वीय अनोन क्रिया कहा जाता है। क्या हो जाएगा F12 इक्वल टू माइनस का F21, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन को डिफाइन करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम जो है सौर मंडल, उसके अंदर सभी जो ग्रह होंगे वो क्या होंगे, गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया के अधीन गति करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि जो गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया होगी उसके अगर अधीन कोई भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो गति कर रहा है तो उसकी गति का समीकरण क्या होगा और उसका पाथ कैसा होगा, ठीक है। यानी ग्रेविटेशनल फोर्सेस के अंदर, जैसे कि हम सेंट्रल फोर्सेस को देख रहे थे कि सेंट्रल फोर्सेस के अंतर्गत गति का हमने समीकरण निकाला था, वैसे हम लोग निकालेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अंतर्गत जब गति हो रही है तो उसके सॉल्यूशन क्या होंगे, ठीक है, किस प्रकार गति होगी। इससे पहले हम डिफाइन करते हैं गुरुत्वीय द्रव्यमान को और जड़त्वीय द्रव्यमान को, क्योंकि यहां पर हम लोग एक चीज हमने पहले जो पढ़ी थी न्यूटन के सेकेंड लॉ से हम पढ़ते हैं कि F इक्वल टू एम ए हमारे पास आता है, ठीक है। दूसरा, जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो हम लोग निकालते हैं भार निकालते हैं, वेट को निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में क्या आता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी आता है। तो यहां पर जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स को इंक्लूड करते हैं तो यहां पर जब हम वेट निकालते हैं तो वहां पर हम लोग क्या निकालेंगे, गुरुत्वीय द्रव्यमान को ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या होता है और जड़त्वीय द्रव्यमान क्या होता है इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जड़त्वीय द्रव्यमान की। न्यूटन के द्वितीय नियम से F इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है,
एफ इक्वल टू एम ए, यहाँ पर जो एम है इसको हम क्या कहते हैं, जड़त्वीय द्रव्यमान, इनर्शियल मास कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर एम जो मास होगा, एम जो है वो इसको रिप्रेजेंट करता है कि कितना हमें त्वरण यानी कितना फोर्स लगाने पर वस्तु में कितना त्वरण उत्पन्न होगा, उसको क्या बताता है, ये मास बताता है। ठीक है, यानी हमारे पास में m का मान क्या होगा, यहां से m इक्वल टू एफ अपॉन ए। ठीक है, तो यानी प्रति एकांक त्वरण उत्पन्न करने के लिए जितना फोर्स की हमें आवश्यकता होगी वो हमारा क्या है, इसका मेजरमेंट है ये मास। या हम कह सकते हैं कि अगर हम बात करें कि हम सेम फोर्स की बात करें कि हम सेम फोर्स लगा रहे हैं तो वस्तु में कितना त्वरण उत्पन्न होगा, अगर मास ज्यादा है तो वस्तु में कम त्वरण उत्पन्न होगा, और अगर मास कम है तो वस्तु का जो एक्सेलरेशन होगा, त्वरण होगा, वो क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, यानी मास अधिक होने पर एक्सेलरेशन उसमें कम होगा, और अगर मास कम है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, अधिक होगा, अगर हम सेम फोर्स लगाएं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ वस्तु के उसके मोशन मैंने की बात कर रहे हैं, उसके अगर मान लो कोई भी हमारे पास में वस्तु है स्थिर अवस्था में है, हम उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाते हैं तो ये क्या, ये गतिशील अवस्था में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके इनर्शिया का मेजरमेंट है, यानी अपने जड़त्व को बनाए रखती है। ठीक है, इसका मान लो कुछ मास है m, इस वस्तु का मास m1 है, और कोई इससे ज्यादा भारी हमारे पास में वस्तु है जिसका मास क्या है, m2 है। अगर हम इसके ऊपर f फोर्स लगा रहे हैं और इसके ऊपर भी हम f फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, अगर हमारा सेम फोर्स है तो दोनों वस्तुओं में सेम एक्सेलरेशन नहीं होगा, इसके अंदर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा और इसमें एक्सेलरेशन कम होगा। यानी इसके जो इनर्शिया का मेजरमेंट है कि वस्तु अपने जड़त्व को बनाए रखती है, जैसे कि हम लोग फर्स्ट लॉ के अंदर भी पढ़ते हैं, जो हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आता है उसके अंदर भी क्या होगा कि हम जड़त्व का नियम जो पढ़ते हैं कि वस्तु के ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर कितना चेंज आएगा, वो अगर उसके मास से, मास पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो इसके अंदर कितना आएगा वो हमारा क्या होगा, इस मास पर डिपेंड करेगा। तो इस मास को हम क्या कहते हैं, इनर्शियल मास कहते हैं, जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी वस्तु के इनर्शिया होने की, होने का क्या है, मेजरमेंट है, उसकी इनर्शिया को मेजरमेंट करता है ये। ठीक है, तो ये हमारा मास क्या कहलाएगा, इनर्शियल मास कहलाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या होता है, जड़त्वीय द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, एक बार आप इसको लिख लो। नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करते हैं गुरुत्वीय द्रव्यमान। ग्रेविटेशनल मास को हम कैसे निकाल सकते हैं, हमने अभी ग्रेविटेशनल फोर्स को पढ़ा, एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारे पास में ग्रेविटेशनल फोर्स आता है अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें। ठीक है, डायरेक्शन को हम यहाँ नहीं ले रहे हैं, तो एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। मान लो यहाँ पर हमने अर्थ का मास ले लिया एम ई, और ये हमारे पास में किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है, तो यहाँ पर अपने पास में अगर हम m2 को निकालते हैं, ये इसे हम ओनली m रहने दें, ये हमारे पास में अर्थ का मास हो गया me, और ये किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अगर हम ले तो इस ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा, m इक्वल टू f r स्क्वायर अपॉन g me। तो अब जो हम मास निकाल रहे हैं वो क्या है, इसका ग्रेविटेशनल मास है, गुरुत्वीय द्रव्यमान है। यानी ग्रेविटेशनल मास जो होता है वो क्या
रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर कि वस्तु का ये एक नेज गुण होता है, इंट्रिंसिक उसकी प्रॉपर्टी होती है और ये उस पर डिपेंड करता है, वस्तु के ऊपर उसके अंदर विद्यमान पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो कोई भी वस्तु ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंदर गिर रही होती है या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उस पर लग रहा है जी का मान, तो यहाँ पर क्या होगा, डब्ल्यू को हम डिफाइन करते हैं, डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी, जहां पर डब्ल्यू क्या कहलाता है, वेट कहलाता है, भार कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर जब हम एम को निकालते हैं तो वो क्या होगा, उसका ग्रेविटेशनल मास होगा, गुरुत्वीय द्रव्यमान होगा। यहाँ पर एम इक्वल्स टू अपना पास में क्या आएगा, ग्रेविटेशनल मास आता है। तो जब हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अगर हमारा सेम है, क्योंकि अगर हम अर्थ की बात करें तो वहां पर अपने पास में सभी जगह क्या होगा, जी का मान एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो यहां पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इस इनर्शियल द्रव्यमान, इसको हम एम आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसे हम एम जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एम जी का मतलब है ग्रेविटेशनल मास। तो जब तक हमारे पास में जी कॉन्स्टेंट है, जी की वैल्यू सेम है, क्योंकि अर्थ के ऊपर हमारे पास में हमको पता है कि जी का मान क्या होता है, जी इक्वल्स टू 9.98 या 10 हम लेके चलते हैं, तो 9.8 अगर हम इसे लें, तो ये हमारे पास में क्या है, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो जब तक जी कॉन्स्टेंट है तब तक तो हमारे पास में क्या है, एम आई और एम जी सेम ही रहते हैं, हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये सेम ही आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि जी की अगर हम अलग वैल्यू लें तो वहां पर इनको अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो वैसे हम लोग ग्रेविटेशनल मास को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम इस प्रकार से ग्रेविटेशनल फोर्स को या फिर उसके वेट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल मास क्या होगा कि उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी वस्तु की, उसके अंदर कितनी पदार्थ की मात्रा है उसको बताएगा। ठीक है, यहाँ पर हम उसके इनर्सिया से इसको नहीं बता रहे हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इसको किससे डिफाइन कर रहे हैं, उसके अंदर कितनी पदार्थ की मात्रा है उसको ये रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है वो इन दोनों मास के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो फोर्स है किस प्रकार होगा, कि एफ प्रोपोर्शनल टू एम जी होगा और एफ प्रोपोर्शनल टू एम ई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी वो इस मास पर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ पर फिक्स है, जी का मान यहाँ पर फिक्स है, यहाँ पर हमने क्या डिफाइन किया था कि वस्तु में कितना एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा, कितना त्वरण उत्पन्न होगा वो उसके मास पर डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ पर हम इसको एक्सेलरेशन को डिफाइन नहीं कर रहे, जी का मान हमारा फिक्स है, जी कॉन्स्टेंट है, अर्थ के कारण इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो डिपेंड कर रहा है इसके ग्रेविटेशनल मास के ऊपर। ठीक है, एमजी के ऊपर यहाँ पर डिपेंड करेगा कि कितना फोर्स लगेगा, अगर एमजी का मान ज्यादा है तो यहाँ पर फोर्स ज्यादा होगा, और अगर एमजी का मान कम है तो फोर्स का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारे पास में कोई भारी वस्तु होगी तो उसके ऊपर फोर्स ज्यादा होगा यहाँ पर, और अगर हल्की होगी तो उसके ऊपर ये फोर्स कम होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस फोर्स से डिफाइन करते हैं ग्रेविटेशनल मास को, और यहाँ पर हम लोग इस एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग हम इसको डिफाइन करते हैं, तो ये वस्तु के इनर्शिया जो प्रॉपर्टी है उसको बताता है। अब अगर हम बात करें कि इनमें डिफरेंस क्या है, तो जब तक हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारा सेम है, कॉन्स्टेंट है, तब तक हमारे पास में क्या आएगा, एम जी और एम आई का मान सेम ही आएगा। हम यहाँ पर इनके अंदर डिफरेंस निकालते हैं कि गुरुत्वीय द्रव्यमान और जड़त्वीय द्रव्यमान के अंदर अंतर क्या होगा, इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, गुरुत्वीय द्रव्यमान वस्तु का नेज गुण होता है, इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये वस्तु में विद्यमान पदार्थ की मात्रा पर
पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है, इसको लिख लो, फिर हम लोग डिफरेंस लिखते हैं ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास में। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि यदि दो वस्तुओं के गुरुत्वीय द्रव्यमान क्रमशः, ठीक है, उनके ग्रेविटेशनल मास जो है वो कितने हैं, क्रमशः mg1 व mg2 है, तो उनके भार कितने होंगे, उनके भार क्रमशः है, वेट कितना होगा उनका, W1 इक्वल्स टू mg1 डॉट जी तथा W2 इक्वल्स टू mg2 डॉट जी होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि W1 अपॉन W2 इक्वल टू mg1 अपॉन mg2। तो जो W1 अपॉन W2 है वो क्या है, उनके गुरुत्वीय बल को बता रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं उनका जो भार है वो किसके प्रोपोर्शनल है, इनके गुरुत्वीय द्रव्यमानों के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो कितना ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लगेगा, अगर मास यहाँ पर गुरुत्वीय द्रव्यमान ज्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मान ज्यादा होगा, और अगर मास कम है तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको डिफाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास के अंदर डिफरेंस क्या है। गुरुत्वीय द्रव्यमान तथा जड़त्वीय द्रव्यमान में अंतर तो यहां पर हम लेते हैं कि माना दो वस्तुएं जिनका जड़त्वीय द्रव्यमान कितना है, mi1 तथा mi2 है, स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती हैं। अतः स्वतंत्रता पूर्वक फ्रीली अगर ये नीचे गिर रही हैं तो क्या होगा, इन पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी का मान क्या होगा, सेम होगा, अतः इन पर जी का मान या इनका जी का मान क्या होगा, समान होगा। तो यहां से अपने पास में क्या हो जाएगा कि इनके ऊपर लगने वाला जो बल होगा वो कितना होगा, अतः वस्तुओं पर लगने वाला बल F1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा mi1 इंटू जी तथा
एफ इक्वल टू हमारा एम ए होता है और यहां पर जो त्वरण है वो कितना है, जी है। तो यहां से एफ एफ वन इक्वल टू एम आई वन जी तथा एफ टू इक्वल टू, अब ये जो फोर्स इन पर लग रहा है वो क्या है, गुरुत्वीय बल है, गुरुत्वीय बल के कारण ही ये नीचे गिर रही है यहां पर। तो ये फोर्स हमारे पास में गुरुत्वीय बल है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसका जो भार होगा एम जी, एम जी इंटू जी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं चूंकि यह बल गुरुत्वीय बल है, अतः एफ वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, भार डब्ल्यू वन इक्वल्स टू एम जी इंटू जी तथा एफ टू इक्वल्स टू डब्ल्यू टू इक्वल्स टू एम जी डॉट जी। तो यहां से अपने पास में आ जाएगा कि डब्ल्यू वन इक्वल्स टू एम आई वन जी। तो हम इसको लिख सकते हैं यहां पर अपने पास में कि डब्ल्यू वन की जगह हम लोग एम जी और W2 टू इक्वल्स टू हमारे पास में एम आई टू जी हो जाएगा। तो अगर हम W1 वन अपॉन डब्ल्यू टू लिखें तो यहां पर अपना एम आई जी अपॉन एम आई टू जी, तो ये हमारे पास में आ जाएंगे, इनके हम वैल्यू रख दें तो ये अपना एम जी वन और जी टू इक्वल्स टू एम आई वन अपॉन एम आई टू। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जब हम समान मात्रक के अंदर ग्रेविटेशनल मास और इसको एक जड़त्वीय द्रव्यमान जो हमारा है इनर्शियल मास इसको ले तो ये हमारी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। अगर हमें इनर्शियल मास या हम ग्रेविटेशनल मास की बात करें तो यहां पर जी क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अगर जी कॉन्स्टेंट है तो ये दोनों क्या रहेंगे, यहां पर सेम ही रहेंगे, ठीक है। इसको लिख लो, ठीक है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं अतः गुरुत्वीय द्रव्यमान जड़त्वीय द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, दोनों को यदि समान मात्रक से मापा जाए तो दोनों का समान प्राप्त होता है।
ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ रहा है कि जो ग्रेविटेशनल मास है और इनर्शियल मास है वो क्या आ रहे हैं, दूसरे के प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। तो अगर हम इन्हें सेम यूनिट में अगर हम इन्हें मेजरमेंट करें इनका, तो दोनों का मान क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। डेफिनेशन से हम लोग इनको अलग अलग डिफाइन करते हैं कि इनर्शियल मास जो होगा वो वस्तु के इनर्शिया को डिफाइन करेगा और यहाँ पर हम इसको फोर्स से डिफाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में क्या है, क्योंकि जी का मान समान है इसलिए ये दोनों क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। अगर अलग अलग पिंड के लिए जी का मान अलग होता, एक्सेलरेशन का मान अलग होता, तो यहाँ पर हमारे पास में ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास क्या होते, डिफरेंट होते। अब चूंकि जी का मान क्या होता है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस जी के कॉन्स्टेंट होने के कारण ये दोनों भी क्या रहेंगे, यहाँ पर समान ही होंगे। ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए, अलग अलग पिंड के लिए हमारे पास में अगर जी का मान अलग होता तब यहाँ पर इनकी वैल्यू क्या होती, अलग होती। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या होते हैं, गुरुत्वीय द्रव्यमान और जड़त्वीय द्रव्यमान होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे कि ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के अंदर या फिर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर अगर कोई पार्टिकल मोशन के अंदर है, हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन के अंदर है, तो उनकी गति के समीकरण और उनके हल क्या होंगे। ठीक है, जैसे कि हम बात करें हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सभी जो प्लेनेट होंगे वो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के अंदर है, तो यहाँ पर हम लोग डिफाइन करते हैं कि ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के अंदर अगर गति हो रही है तो इक्वेशन क्या होंगी, गति के समीकरण क्या होंगे। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।